क्योंकि हम सबकी पृष्ठभूमि कम या ज्यादा एक जैसी होगी, कम ही होगी, ज्यादा तो क्या ही होगी हम लोगों की पृष्ठभूमि से। मेरा मतलब है कि हम लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें होती है कि आईएएस नहीं बनते हिंदी माध्यम वाले, या मैं गांव से आया हूं, मैं गांव में पला बड़ा हूं, मैंने कुछ ढंग से आईआईटीएन नहीं हो, एमबीबीएस अच्छे कॉलेज से नहीं हो, मेरा होगा नहीं होगा, ये कुछ सारे माइंड में हम लोग, मेरे भी चलते थे, कोई वो नहीं है। बट जब मैं बन गया तो मुझे लगा कि यार कोई भी बन सकता है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि ऐसी रही है। मैं सौसर में चूंकि 10वीं तक पढ़ा हूं, तो बहुत ज्यादा कोई कॉन्वेंट स्कूल का मैं विद्यार्थी नहीं हूं, ना ही मैंने 11th 12th में बहुत अच्छी स्कूल से किया, ना इंजीनियरिंग मेरी आईआईटी से हुई है। बहुत ही एक सामान्य बैकग्राउंड, एक औसत विद्यार्थी रहा हूं मैं, एवरेज स्टूडेंट आप बोल सकते हो मुझे, बिलो एवरेज भी बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आर्थिक पृष्ठभूमि भी मेरी ऐसी नहीं है कि पिताजी जमींदार हो या सरकारी नौकरी से हो। हमारे घर में दूर दूर तक सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, प्यून भी नहीं है, वो भी बड़ी बात मानी जाती है सरकारी नौकरी में। और तीसरी बात कि हमारे गांव में लोग कहते थे कि आईएएस होते हैं, बनते नहीं है, कि आईएएस बेटा बनो मत, होते हैं वो, आप बनते नहीं हो। हालांकि मुझे अच्छा सपोर्ट परिवार से मिला, उन्होंने कभी इस चीज के लिए मना नहीं किया कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, सुख दुख में हम साथ में हैं। तो मैं 2013 से यहाँ जॉब करने लग गया था, दिल्ली आके पार्ट टाइम कोचिंग में ही जुड़ा हुआ रहा और अपनी पढ़ाई भी करता था। तो कुल मिलाकर ये इसलिए बताया क्योंकि आप सब लोगों में, मुझे पता है कि मैं और हम सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमारे दिमाग में ये है कि क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है हिंदी माध्यम वाले, तो मुझे, मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 1 2 3 दे चुके होंगे और अभी लग रहा होगा कि आगे क्या, और जो फ्रेशर्स है उनको भी लगता होगा कि हिंदी मीडियम में बहुत अटेम्प्ट लगते हैं। बट मुझे लगता है कि हम लोगों के पास प्रिपरेशन जब हम करते हैं, सही डायरेक्शन नहीं होता, हम यहाँ फंस जाते हैं मुखर्जी नगर के जो अफवाह बोलो आप, या ये जो मार्केट है, हम लोग मार्केट में फंस जाते हैं। मैं गंगा सिंह को आप सभी जानते होंगे, क्योंकि सभी हिंदी मीडियम वाले हैं, तो गंगा और मैं साथ में ही थे जेएनयू में, और उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 33 थी उसकी एज, और उसके हिसाब से हम दोनों जब डिस्कस करते थे उसको देख के मुझे लगता है, मैं गंगा का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि गंगा को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, अभी भी मतलब हम बोले तो हम बिल्कुल सगे दोस्त जैसे हैं, है ना, तो सगा दोस्त मतलब खास दोस्त। तो उसको देख के मुझे लगता है कि आप एक अटेम्प्ट अगर अच्छे से देते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट, तो बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी मीडियम में भी। तो आपके माइंड में अगर मीडियम का कुछ बैरियर होना तो सबसे पहले वो हटा दो, क्योंकि यूपीएससी में जब कॉपी चेक होती है तो ये नहीं देखा जाता कि आपका नाम क्या है। ये यूपीएससी में सबसे फेयर सिस्टम, सबसे जस्ट सिस्टम अगर आप बोलते हो कि पूरे देश में एग्जामिनेशन का कोई है तो यूपीएससी है। हिंदी मीडियम के कुछ डिसएडवांटेज है, वो यूपीएससी की वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है, या हम लोग सोचते नहीं है वैसा। तो जब हम लड़ाई लड़ने जाते हैं, मान लीजिए हम डिसएडवांटेज पोजीशन में, तो हमें वो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो बहुत छोटी छोटी चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, हम जब हिंदी में लिखते हैं तो हम लाइन, जैसे मैं लिख दू सरस्वती लिख दू, तो मैं इसके ऊपर लाइन खींचूंगा हिंदी में, और खींचना चाहिए, मतलब मैं भी खींचता था। तो जब आप ब्लैंक पेपर पे, एक क्वेश्चन होता है 2 पेज का, तो ऐसे आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 40 पेज 45 पेज होगा, क्योंकि किसी में 3, अभी वो 10 और 20 वाला सिस्टम हो गया तो ज्यादा कम, 45 पेज पे ब्लैंक लाइन खींच के देखो किसी दिन बैठ के। मैंने किया हुआ है ऐसा पागलपन, इसलिए बता रहा हूं, एटलीस्ट 12 साढ़े 12 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, एटलीस्ट डिपेंड्स, 10 से 12 के बीच में वेरिएशन होगा। तो आप 12.5 मिनट पीछे हो कॉम्पिटिशन में, पहले माइंड में ये पता होना चाहिए। इसमें यूपीएससी की गलती नहीं है, लैंग्वेज आपने चूज की है, आपकी मर्जी है, हिंदी में आप लिख रहे हो तो 12.5 मिनट, मतलब अगर इसको मैं मार्क्स में तोड़ दू तो ये कम से कम 6 मार्क्स 7 मार्क्स के आसपास होगा, और 7 मार्क्स एक पेपर में तो 4 पेपर में 28 और ऑप्शनल अगर लेते हो तो 50 नंबर का डिफरेंस में इसमें, सिर्फ इस एक छोटी सी लाइन से।
हमें ना उस लेवल पे जाके हिंदी मीडियम में सोचना होगा। तो क्या लाइन नहीं खींचना है? नहीं, लाइन खींचो, हिंदी में लाइन खींचना चाहिए, लेकिन आपका स्पेस मैनेजमेंट ऐसा करो कि जो 200 शब्द में वो आप 180 शब्द में लिख पाओ, 190 शब्द में लिख पाओ, तो 10-10 शब्द से आपने उस लाइन को कवर अप कर लिया। मैं बहुत छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि हम हमारे माइंड में ना बहुत फैंसी सा आइडिया होता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम छोटी छोटी जो भी वर्क नहीं करना चाहते हैं। और हम दोष सबसे पहले ना हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से मेरा यही, मतलब आप इसको प्रार्थना बोलो, अपील बोलो, या मेरा सजेशन बोलो, या मैं जिस फेस से गुजरा हूं, जब तक मैं मानता था कि यूपीएससी में गलती है तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मैंने माना कि मेरे अंदर गलती है तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और ये फर्स्ट स्टेज है। अभी आप इस तरीके से हो ना कि यार हम खूब एफर्ट करते हिंदी मीडियम वाले हो नहीं रहे, रीजन ये है कि हम अपने आप पे वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ दूसरी समस्या आती है, वो ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स हो गया है, दिस मीन्स आपकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, आपको लगता है आप भगवान हो, भगवान तो नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या हो, और आसपास वाले भी ये कहते हैं कि यार तुम्हें कौन रोक सकता है, और अंदर से महापुरुष जागृत होता है कि मेरा प्री हो चुका है। फिर जब जिसके यहाँ मेंस होता है ना, उसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ जाती है, तो उसको लगता है कि अब तो पता नहीं, मतलब वो चरम उत्कर्ष पर होता है भगवान बनने के, और गलती से वो इंटरव्यू दे दे तो भगवान बन जाता है, भले उसका सिलेक्शन ना हो। मैंने भी 2014 में जब इंटरव्यू दिया था तो मुझे लग रहा था कि मैं ही भगवान हूं। ये रीजन है, मतलब इस वे में मैं मजाक के वे में आपको बता रहा हूं, बट ये सच है। अपने आप से कभी पूछना, कई लोगों का टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना होता है, कई लोगों का होता है कि आप जब मिलते हो तो हाँ मैंने 2 मेंस दिए, अभी गर्व से बताते हो, अच्छी बात है, मैं उस चीज को कम नहीं करना चाहता, बट हम उसी को सब कुछ मान बैठते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप थोड़ा मार्केट घूमोगे और खुद का जिसका प्रीलिम्स हुआ होगा ना, वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जेएनयू लाइब्रेरी में मेरा जब प्रीलिम्स हुआ तो मैं सॉरी इंटरव्यू कॉल आया था, एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं, बट यस प्रीलिम्स हुआ था। तो मैं लाइब्रेरी में बैठा, मेरे आसपास 3 लोग बैठे थे, मुझे लगा यार ये मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा रिजल्ट का क्या हुआ। थोड़ा सा इरिटेशन होती है कि भाई मेरा प्रीलिम्स हो चुका और कोई पूछ नहीं रहा है, अजीब सा लग रहा था। तो फिर ऐसी पेन मांगने के बहाने न्यूज़ वाले, मैंने पूछ लिया तेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या रहा भाई, वो बोले हो गया। तो मैंने कहा यार ठीक है इसका भी हो गया, लेकिन मेरे से फिर भी नहीं पूछ रहा मेरा क्या हुआ, तो बड़ा वो लगा। फिर मैं बाहर आया, मैंने कहा यार कैसा है इंस्टीट्यूट है, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है कि प्रीलिम्स हुआ है नहीं हुआ है। बाद में मुझे पता, ये सर आपका सिस्टम जो है ना, ये थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है आज अगली बार कर दिया हूँ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सबसे पहले तहे दिल से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मैं 1.5 घंटा लेट हो गया, मतलब ये मिस कम्युनिकेशन था मेरे साइड से, गलती मेरी थी, सर ने सही टाइम कम्युनिकेट किया था, बट मेरे माइंड में 11 बजे था तो मैंने उस हिसाब से आज का दिन प्लान किया था। तो जैसे ही सर का फोन आया और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, 9:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा सर मैं भाग के आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार आपने, चूंकि मैं मानता हूं कि इस जिस फेज में आप लोग हो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो 1.5 घंटा मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मैं उस चीज को रिपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो 1.5 घंटा आपने वेट किया वो व्यर्थ ना हो। तो एक बार फिर से पूरे सदन को मेरी ओर से क्षमा याचना। ठीक है, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, सर ने दिया होगा लेकिन फिर भी, गुड मॉर्निंग। अरे ठंडे नहीं होना यार, गुड मॉर्निंग, गुड। मुझे लगना चाहिए यार कि अभी अभी 1.5 घंटा भी बैठे हो लेकिन एनर्जी बनी हुई है। मेरा नाम राहुल दोटे है, IAS 17 बैच 2016 वाला एग्जाम दिया था, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ मैं भी, और 10th तक मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में एक सौसर तहसील है, वहाँ 10th तक मैं पढ़ा हूँ। 11th 12th और इंजीनियरिंग मैंने इंदौर से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। देन मैं दिल्ली आया आप लोगों जैसे ही, ऐसे ही खूब सुना और सर से मिला और 2016 में सिलेक्ट हो गया। मेरा मीडियम हिंदी था और साथ में ऑप्शन मिला पॉलिटिकल साइंस का।
अब मैंने बेसिक क्यों बताई, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम वाले कितने इसमें हाथ खड़े करो। ओहो हो, क्या बात है, आजकल ये हाथ दिखते नहीं है, कम हो गए हैं, अच्छी बात है। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ये क्योंकि हम सबकी पृष्ठभूमि कम या ज्यादा एक जैसी होगी, कम ही होगी, ज्यादा तो क्या ही होगी हम लोगों की पृष्ठभूमि से। मेरा मतलब है कि हम लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें होती है कि आईएएस नहीं बनते हिंदी माध्यम वाले, या मैं गांव से आया हूं, मैं गांव में पला बड़ा हूं, मैंने कुछ ढंग से आईआईटीएन नहीं हूं, एमबीबीएस अच्छे कॉलेज से नहीं हूं, मेरा होगा नहीं होगा, ये कुछ सारे माइंड में हम लोग, मेरे भी चलते थे, कोई वो नहीं है। बट जब मैं बन गया तो मुझे लगा कि यार कोई भी बन सकता है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि ऐसी रही है। मैं सौसर में चूंकि 10वीं तक पढ़ा हूं, तो बहुत ज्यादा कोई कॉन्वेंट स्कूल का मैं विद्यार्थी नहीं हूं, ना ही मैंने 11th 12th में बहुत अच्छी स्कूल से किया, ना इंजीनियरिंग मेरी आईआईटी से हुई है, बहुत ही एक सामान्य बैकग्राउंड, एक औसत विद्यार्थी रहा हूं मैं, एवरेज स्टूडेंट आप बोल सकते हो मुझे, बिलो एवरेज भी बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आर्थिक पृष्ठभूमि भी मेरी ऐसी नहीं है कि पिताजी जमींदार हो या सरकारी नौकरी से हो, हमारे घर में दूर दूर तक सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, प्यून भी नहीं है, वो भी बड़ी बात मानी जाती है सरकारी नौकरी में। और तीसरी बात कि हमारे गांव में लोग कहते थे कि आईएएस होते हैं, बनते नहीं है, कि आईएएस बेटा बनो मत, होते हैं वो, आप बनते नहीं हो। हालांकि मुझे अच्छा सपोर्ट परिवार से मिला, उन्होंने कभी इस चीज के लिए मना नहीं किया कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, उन्होंने कहा कि ठीक है सुख दुख में हम साथ में हैं। तो मैं 2013 से यहाँ जॉब करने लग गया था, दिल्ली आके पार्ट टाइम कोचिंग में ही जुड़ा हुआ रहा और अपनी पढ़ाई भी करता था। तो कुल मिलाकर ये इसलिए बताया क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे बताया कि मैं और हम सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमारे दिमाग में ये है कि क्या हम कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल आता है हिंदी माध्यम वाले। तो मुझे, मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 1 2 3 दे चुके होंगे और अभी लग रहा होगा कि आगे क्या, और जो फ्रेशर थे उनको भी लगता होगा कि हिंदी मीडियम में बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं। बट मुझे लगता है कि हम लोगों के पास प्रिपरेशन जब हम करते हैं सही डायरेक्शन नहीं होता, हम यहाँ फंस जाते हैं मुखर्जी नगर के जो अफवाह बोलो आप, या ये जो मार्केट है, हम लोग मार्केट में फंस जाते हैं। मैं गंगा सिंह को आप सभी जानते होंगे क्योंकि सभी हिंदी मीडियम वाले हैं, तो गंगा और मैं साथ में ही थे जेएनयू में, और उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 33 थी उसकी एज, और उसके हिसाब से हम दोनों जब डिस्कस करते थे उसको देख के मुझे लगता है, मैं गंगा का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि गंगा को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, अभी भी मतलब हम बोले तो हम बिल्कुल सगे दोस्त जैसे हैं, है ना, तो सगा दोस्त मतलब खास दोस्त। तो उसको देख के मुझे लगता है कि आप एक अटेम्प्ट अगर अच्छे से देते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट, तो बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी मीडियम में भी। तो आपके माइंड में अगर मीडियम का कुछ बैरियर होना तो सबसे पहले वो हटा दो, क्योंकि यूपीएससी में जब कॉपी चेक होती है तो ये नहीं देखा जाता कि आपका नाम क्या है, ये यूपीएससी में सबसे फेयर सिस्टम, सबसे जस्ट सिस्टम अगर आप बोलते हो कि पूरे देश में एग्जामिनेशन का कोई है तो यूपीएससी है। हिंदी मीडियम के कुछ डिसएडवांटेज है, वो यूपीएससी की वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है, या हम लोग सोचते नहीं है वैसा। तो जब हम लड़ाई लड़ने जाते हैं, मान लीजिए हम डिसएडवांटेज पोजीशन में, तो हमें वो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो बहुत छोटी छोटी चीजें हम ध्यान नहीं देते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, हम जब हिंदी में लिखते हैं तो हम लाइन, जैसे मैं लिख दू सरस्वती लिख दू, तो मैं इसके ऊपर लाइन खींचूंगा हिंदी में, और खींचना चाहिए, मतलब मैं भी खींचता था। तो जब आप ब्लैंक पेपर पे एक क्वेश्चन होता है 2 पेज का, तो ऐसे आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 40 पेज 45 पेज होगा, क्योंकि किसी में 3, अभी वो 10 और 20 वाला सिस्टम हो गया तो ज्यादा कम, 45 पेज पे ब्लैंक लाइन खींच के देखो किसी दिन बैठ के, मैंने किया हुआ है ऐसा पागलपन इसलिए बता रहा हूं, एटलीस्ट 12-12.5 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, एटलीस्ट डिपेंड्स 10 से 12 के बीच में वेरिएशन होगा। तो आप 12.5 मिनट पीछे हो कॉम्पिटिशन में, पहले माइंड में ये पता होना चाहिए, इसमें यूपीएससी की गलती नहीं है, लैंग्वेज आपने चूज की है, आपकी मर्जी है, हिंदी में आप लिख रहे हो तो 12.5 मिनट
मतलब अगर इसको मैं मार्च में तोड़ दूं तो ये कम से कम 6 मार्च 7 मार्च के आसपास होगा, और 7 मार्क्स एक पेपर में तो 4 पेपर में 28 और ऑप्शनल अगर लेते हो तो 50 नंबर का डिफरेंस में इसमें सिर्फ इसलिए छोटी सी लाइन से। हमें ना उस लेवल पे जाके हिंदी मीडियम में सोचना होगा, तो क्या लाइन नहीं खींचना है? नहीं, लाइन खींचो, हिंदी में लाइन खींचना चाहिए, लेकिन आपका स्पेस मैनेजमेंट ऐसा करो कि जो 200 शब्द में वो आप 180 शब्द में लिख पाओ, 190 शब्द में लिख पाओ, तो 10-10 शब्द से आपने उस लाइन को कवर अप कर लिया। मैं बहुत छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि हम हमारे माइंड में ना बहुत फैंसी सा आइडिया होता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम छोटी छोटी जो भी वर्क नहीं करना चाहते हैं। और हम दोष सबसे पहले ना हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से मेरा यही, मतलब आप इसको प्रार्थना बोलो, अपील बोलो, या मेरा सजेशन बोलो, या मैं जिस फेज से गुजरा हूं, जब तक मैं मानता था कि यूपीएससी में गलती है तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जब मैंने माना कि मेरे अंदर गलती है तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और ये फर्स्ट स्टेज है। अभी आप इस तरीके से हो ना कि यार हम खूब एफर्ट करते हिंदी मीडियम वाले हो नहीं रहे, रीजन ये है कि हम अपने आप पे वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ दूसरी समस्या आती है, वो ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स हो गया है, दिस मीन्स आपकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, आपको लगता है आप भगवान हो, भगवान तो नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या हो, और आसपास वाले भी ये कहते हैं कि यार तुम्हें कौन रोक सकता है, और अंदर से महापुरुष जागृत होता है कि मेरा प्री हो चुका है। फिर जब जिसके यहाँ मेंस होता है ना उसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ जाती है, तो उसको लगता है कि अब तो पता नहीं, मतलब वो चरम उत्कर्ष पर होता है भगवान बनने के, और गलती से वो इंटरव्यू दे दे तो भगवान बन जाता है भले उसका सिलेक्शन ना हो। मैंने भी 2014 में जब इंटरव्यू दिया था तो मुझे लग रहा था कि मैं ही भगवान हूं। ये रीजन है, मतलब इस वे में मैं मजाक के वे में आपको बता रहा हूं, बट ये सच है। अपने आप से कभी पूछना, कई लोगों का टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना होता है, कई लोगों का होता है कि आप जब मिलते हो तो हाँ मैंने 2 मेंस दिए, अभी गर्व से बताते हो, अच्छी बात है, मैं उस चीज को कम नहीं करना चाहता, बट हम उसी को सब कुछ मान बैठते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप थोड़ा मार्केट घूमोगे और खुद का जिसका प्रीलिम्स हुआ होगा ना वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। JNU लाइब्रेरी में मेरा जब प्रीलिम्स हुआ तो मैं सॉरी इंटरव्यू कॉल आया था, एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं, बट यस प्रीलिम्स हुआ था, तो मैं लाइब्रेरी में बैठा, मेरे आसपास 3 लोग बैठे थे, मुझे लगा यार ये मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा रिजल्ट का क्या हुआ, थोड़ा सा इरिटेशन होती है कि भाई मेरा प्रीलिम्स हो चुका और कोई पूछ नहीं रहा है, अजीब सा लग रहा था। तो फिर ऐसी पेन मांगने के बहाने न्यूज वाले मैंने पूछ लिया तेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या रहा भाई, वो बोले हो गया, तो मैंने कहा यार ठीक है इसका भी हो गया, लेकिन मेरे से फिर भी नहीं पूछ रहा मेरा क्या हुआ, तो बड़ा वो लगा। फिर मैं बाहर आया, मैंने कहा यार कैसा इंस्टीट्यूट है, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है कि प्रीलिम्स हुआ है नहीं हुआ है। बाद में मुझे पता चला कि वो IPS है, IAS के लिए पढ़ रहा है, और एक साइड में IRS बैठा था, IRS IT। मेरी आंखें खुल गई, IPS बन, मतलब आपका जो भी ड्रीम हो, आप IPS बनना चाहते हो तो IPS ड्रीम है, IAS बनना चाहते हो IAS ड्रीम है, IRS बनना चाहते हो वो ड्रीम है। तो मैंने कहा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए ना उसका मतलब कुछ नहीं है। तो जो चीज मैंने अनुभव, अगर उस दिन वो इंसिडेंट नहीं होता तो मैं तो भगवान बना घूमता कि मेरा प्रीलिम्स हो गया प्रीलिम्स हो गया। ये चीज बहुत जरूरी है, अपने आप पे चेक्स एंड बैलेंस रखना और वास्तविकता जानना। जब तक सिलेक्ट नहीं होते जो भी आपका एम हो, IAS IPS IRS रेलवेज, जिसको जहां जाना है वो एम अचीव होने तक आपका कुछ नहीं हुआ है। मैंने 2014 में इंटरव्यू दिया लेकिन 15 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। तो जब तक ये चीज आप गाढ़ बांध लो, ये हमारे हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो ये है, जो मैं मानता हूं। ये हो सकता है आप सबके साथ ना हो, लेकिन जनरल टेंडेंसी हमारी इस ओर ज्यादा होता है कि प्रीलिम्स होने के बाद हम थोड़े से रिलैक्स रहते हैं कि हमारा प्रीलिम्स हो गया, और खुश भी रहते हैं। बट जब तक आपका हो नहीं जाता फाइनल तब तक कुछ नहीं हुआ है। एक दूसरी बात पे मैं आता हूं, हम लोगों का जो एटीट्यूड है, मैं सबको दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जैसे कैसे प्रिपेयर करना हम उस पर आएंगे, लेकिन जब तक ये दो चीजें बेसिक माइंड से नहीं निकल जाएगी ना तब तक मैं जो बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। दूसरा, हम दोष देते यूपीएससी को,
हिंदी मीडियम के नहीं हो रहे, ये लाना नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको कॉपी से मतलब है, कॉपी अच्छी है तो जांच के दे देंगे, कॉपी खराब है तो नहीं देंगे। वेरी फेयर एंड जस्ट सिस्टम, मैं अगेन बोल रहा हूं। अब समस्या ये है कि हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका आपको होता है। अगर एग्जामिनर को बुलेट पॉइंट में, शॉर्ट में क्रिस्प आंसर चाहिए तो दो ना, कथा का गणित लिखने की क्या जरूरत है। अब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने एक जगह इंग्लिश टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, तो मैंने सुओ मोटो लिखा था, सॉरी मैंने स्वतः संज्ञान हिंदी में लिखा था, तो मुझे उसमें मार्क्स कम मिले। तो मार्क्स कम मिलने के बाद मैं पूछने गया कि मुझे इस क्वेश्चन में मार्क्स क्यों कम मिले, जबकि मुझे जो लगता था कि मैंने ठीक लिखा। तो मुझे सर ने कहा कि तुमने इसका क्रक्स नहीं लिखा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सुओ मोटो। तो मैंने सर से कुछ नहीं कहा, वो उनकी गलती नहीं है, मैंने स्वतः संज्ञान लिखा हुआ है लेकिन स्वतः संज्ञान में दिखा नहीं पा रहा हूं, तो ये मेरी गलती है ना। अब मैं वहां ये सोच लेता कि मैंने तो लिखा है लेकिन सर को नहीं दिखा, मैं तो सही लिख रहा हूं, तो ये मेरी गलती है। तो जब मेरे को समझ में आया कि स्वतः संज्ञान क्यों नहीं दिखा, तो मैंने देखा कि यस वो सबसे कोर पॉइंट था उसका, मैंने उसको ना अंडरलाइन किया था, कैसे भी दिखाऊं। दूसरा, चूंकि वो इंग्लिश मीडियम के टीचर है, अगर मेरी कॉपी जांच रहे हैं तो उनके माइंड में कीवर्ड्स इंग्लिश के फिट हैं, और कहीं ना कहीं यूपीएससी कॉपी जांच में भी अगर मॉडल आंसर बनेगा, अगर बनता होगा, आई डोंट नो क्या होता है, बट जनरली ये होना चाहिए कि कोई ना कोई एक बुलेट पॉइंट में आपको दिया जाएगा कि ये मॉडल आंसर हो सकता है, ये कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए, वो इंग्लिश में होगा। और जनरली प्रोफेसर जो चेक करेंगे वो हिंदी इंग्लिश वाले कंबाइंड होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में होंगे, तो जो कीवर्ड है वो मुझे कैसे दिखेगा, मुझे दिखाना है। तो ये आपकी जवाबदारी कि आप एग्जामिनर को दिखाओ, एग्जामिनर की जवाबदारी नहीं कि वो देखे। ऑल्दो होना चाहिए, बट आपको आपका सिलेक्शन चाहिए ना, उसका थोड़ी सिलेक्शन चाहिए। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आप कैसे इस चीज को बांटते हो। तो मैं अगली बार जब स्वतः संज्ञान लिखता था तो हिंदी में ऐसे सुओ मोटो लिख देता था, है ना, और इसको डबल अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा लिख देता कि भाई तेरी नजर ही नहीं हटे उस चीज से, देख मैं क्या दिखाना चाहता हूं। तो आपको वो दिखाना है जो वो देखना चाहता है, और वो आपके पास सबके पास है। मतलब मैं इस क्राउड में अगर मैं कहूं तो नॉलेज में तीसरी बात, पहली बात आपको समझ में आ गई, दूसरी बात समझ में आ गई, तीसरी बात इसी को कंटिन्यू करके, इस क्राउड में नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना इनको पता है, इनको पता है, इनको पता है, मुझे पता है, हो सकता है मुझे कम मालूम हो, और मैं ये दावा भी नहीं करता कि मुझे बहुत ज्यादा मालूम है, बट फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप लोगों ने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। क्या वही ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहे सबके? आ रहे। मार्केट में जितनी किताबें आपने पढ़ी उतनी किताबें टॉपर भी पढ़ता है, एक खास किताब एक्स्ट्रा पढ़ागा लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो तीसरा जो मैं मानता हूं यूपीएससी में, वो ये मेरा मतलब पर्सनल फॉर्मूला है, मैं कई जगह बोलता हूं, आप लोगों ने कभी देखा हो तो भी रिपीट होगा। इसका मतलब है ये हमारे मार्क्स है और ये हमारा नॉलेज है, या आप बोल दो बुक्स बोल दो जो आप पढ़ते हो, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन बोल दो, जितनी इंफॉर्मेशन है उतने मार्क्स नहीं आते, इट्स फाइन। हम क्या करते हैं अगर हमको नहीं समझ में आया या मार्क्स नहीं आ रहे, तो हम फिर से और किताबें पढ़ते हैं, और किताबें पढ़ते हैं। तो आप कितना भी इसको वाइड कर लो, मार्क्स तो उतने ही आने। जैसे कई लोग इसमें बैठे होंगे जो दो नंबर से नहीं हो रहा है, दो बार से, तीन नंबर से नहीं हो रहा है दो बार से, मेंस में भी 10-10 नंबर से नहीं हो रहा है, या टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ रहे, एक जगह स्टैग्नेंट हो, क्योंकि मार्क्स आपके फिक्स है। तो ये क्या चीज है? अगर आप इतना ही नॉलेज है आपके पास और उस नॉलेज का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया, तो मार्क्स अपने आप बढ़ गए आपके। ये चीज मैंने सीखी 5 अटेम्प्ट देने के बाद, कि गेम नॉलेज का है ही नहीं, गेम है प्रेजेंटेशन का। उस नॉलेज को आप यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, सबने अगर प्रीलिम्स दिया हो, आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आपको याद आएगा कि इस क्वेश्चन के बारे में सुना है, इजी क्वेश्चन गलत करके आओगे, प्रीलिम्स में इसलिए हमारा नहीं होता है, मेंस में पता होता है लेकिन स्ट्रक्चर ढंग से करके नहीं आते। तो हमारे पास नॉलेज तो है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, और नॉलेज यूपीएससी का नॉलेज बहुत ज्यादा भी नहीं है। मतलब ऐसा कि
पीएचडी करना हो फॉरेन इंस्टीट्यूट से, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दो चार किताबें ढंग से ही है और एनसीईआरटी पढ़ लो, उतना सबको मालूम है। मेमोरी कम ज्यादा होती है, किसी को याद आता है किसी को नहीं आता है, उससे भी सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो नॉलेज को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको गार्ड मान लो आप लोग, कि आपको जो पता है अगर आप वो लिख पा रहे हो, अगर आप वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर पा रहे हो, दिस मीन्स कि आपने सही पढ़ा है या सही रिवाइज किया है या सही तरीके से पढ़ा है। और नहीं कर पा रहे हो तो उसको कैसे करोगे, इसके ऊपर वर्क करो। अब ये तो मैंने हिंदी माध्यम के कारण बताया, हिंदी माध्यम में हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम है, हम दिखा नहीं पाते जो एग्जामिनर देख रहे हैं। और तीसरा, यूपीएससी के लिए जो बायसेस होते हैं, ये तीनों हटा दो। अगर ये चीज हट गई तो आपको आपकी सच्चाई दिखेगी, और अपनी सच्चाई देखने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद काम शुरू करो अपने आप पर। अब मैं आता हूं कि अब जो मैं कहने वाला हूं कि मैं कैसे पढ़ता था, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करेंगे। मैं पहले एक डिक्लेरेशन दे दूं कि मैं जो बोलूंगा वो मेरा वे है कि मैंने कैसे सक्सेस अचीव की। अगर आप इसको सक्सेस मानते हो तो मैं इसको बोलूं कि एग्जाम मैंने कैसे क्रैक की, वो मेरा कोड मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पूछना है आप लोग ओपन फ्लोर डिस्कशन टाइप। लेकिन क्या वो आपके लिए सही होगा, ये आपको चेक करना है। मैं जो फॉर्मूला दूंगा जरूरी नहीं है कि उसी से रेसिपी बन सकती है। ऐसे कई तरीके हैं क्वालिफाई करने के, बट मैं किस तरीके से हुआ ये मैं बताऊंगा। उसमें आप अपने हिसाब से एड ऑन कम ज्यादा कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक साथ एक स्ट्रेच में 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ सकता हूं, 2 घंटे बाद मुझे गैप चाहिए और सब्जेक्ट भी चेंज करना चाहिए। तो मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ता हूं। हो सकता है दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि एक दिन पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ो और दोनों सक्सेसफुल है। तो आपको जो पसंद हो, इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आत्मदीपो भव, खुद का दिया खुद बनो, खुद का दीपक खुद बनो, अपने लिए रास्ता चुनो। आपको हमसे भी ये बता दे कि इस रास्ते पे नहीं जाना है, इस रास्ते पे नहीं जाना है, इस रास्ते पे जाया जा सकता है बट चलना आपको है। तो किस तरीके से चलना है, कैसे करना है, ये आप लोगों का डिसीजन होगा। 2012 में जब मैं प्रीलियम्स दे रहा था तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कि विशाल पढ़ ले। विशाल की वो आती थी करंट अफेयर्स, विशाल थी या कुछ और आती थी, करंट अफेयर्स आती थी एक। तो मैंने मतलब कहा कि मैंने अभी नहीं पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि तेरा प्रीलियम्स नहीं होगा। मैं डर गया, नया नया एकदम था, आया हुआ था अपने आप पर। लेकिन मैं वापिस अपने टेबल पे गया जहां मैं लाइब्रेरी में बैठा था, मैंने फिर से सिलेबस देखा, 2011 का पेपर देखा, कम से कम 1 सवा घंटा वर्क किया। और मैं वापस सीनियर के पास गया, मतलब मेरे बड़े भाई जैसे ही थे, और उनसे कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उनका 2012 प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा हुआ था उस समय। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका अपना रास्ता होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ऐसा आंसर लिख के देखते वो करते, ठीक है हिट एंड ट्रायल ठीक है, बट जब तक आप बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी और आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी किस पे काम करना है, तब तक आप कैसे क्रैक करोगे। हर लड़ाई ये लड़ाई जैसी है, आपको पता होना चाहिए आपकी क्या कमजोरी है, कहाँ हो सकता है। अगर आपको ये सब पता है तो जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप आईएएस बन जाओगे या सिलेक्ट हो जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रीलिम्स ना हो, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कि मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा हूं तो मेरे इकोनॉमिक्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं हिस्ट्री में अच्छा हूं तो हिस्ट्री के गलत नहीं करूंगा। जो भी स्ट्रेटेजी हो वो स्ट्रेटेजी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 चीजें हिंदी माध्यम के बाद साथ बताने के बाद, ये डिक्लेरेशन मैं हमेशा देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ, ताकि आप ये ना सोचो कि आज मैंने कह दिया तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम की ओर, फोकस रोके कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चलेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चलेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चलेगा। हाँ यार, आवाज जिंदा हो, जिंदा दिखना चाहिए ना। चलो ठीक है फिर, तो आप लोग हम लोग सेगमेंट बांट लेते हैं, अगर कोई छूट गया तो मैं लास्ट में कवर अप कर लूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, किसी को जल्दी हो तो बिल्कुल ससम्मान जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते थे। कोई मंगल पांडे बनेगा या पहली गोली कौन चलाएगा? बैठ के बताओ, नाम बता दो।
हाँ आवाज आ रही है। किस तरीके से पढ़ना होता है? हाँ ठीक है। मेरे हिसाब से आप जो बात कर रहे हो ना, ये प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग नहीं होती है, और प्री के क्वेश्चन आप फैक्चुअल कह रहे हो वो हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी एक दो साल में चेंज हुआ है, मतलब आप पुराने भी देखोगे कम ज्यादा होता है। यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस किसको किसको मालूम है? कितने पॉइंट्स है प्रीलिम्स के? तुम्हें 7 पॉइंट। तो आप पहला पॉइंट देखेंगे तो उसमें वो करंट अफेयर्स वाला है, उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। तो आप अगर सिलेबस को देखोगे तो हर पोर्शन से अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे ना, तो हर पोर्शन से 15-15 क्वेश्चन आना चाहिए, 14-14 आएगा, 14 × 7 = 98, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किसी पोर्शन से आएंगे। मोर और लेस यूपीएससी वही करती है कि हिस्ट्री के जैसे 14 है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसके हम मान लेते 14 क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप देखोगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 7 आ रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 7 आ रहे हैं, ज्यादा वेटेज होगा इंडियन नेशनल, क्योंकि वो सिलेबस में लिखा हुआ है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी आप देखोगे कि एंशियंट से मान लो 2 आ गए, 3 आ गए, मिडियल से 1 या 2 आ गया, और मॉडर्न से 1 आ गया, 3 और 2 = 5 = 6 ये हो गया। मोर और लेस 1-2 क्वेश्चन इधर उधर, 3 क्वेश्चन इधर उधर, यही है। इसका मतलब क्या है? यूपीएससी आपको कहती है कि हर एक चीज आपको पढ़नी है। कई बार लोग कहते हैं कि इस बार ज्योग्राफी से ज्यादा आ गया, इस बार पॉलिटी से ज्यादा आ गया, हो सकता है, बट आपको प्रिपेयर हर पोर्शन के लिए रहना है, तो आपका कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि नहीं रुकता है इस कारण। दूसरा, जो आप एनालिटिकल बात कर रहे हो ना, सी मैं 2 चीजों का कंपेयर कर रहा हूं कि कौन सा स्टेट बेटर है, लाइक उत्तराखंड अच्छा है, हिमाचल अच्छा है। मैं कहूँ उत्तराखंड के लोग अच्छे हैं, उत्तराखंड में शिक्षा अच्छी है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए उत्तराखंड अच्छा है। दूसरा मैं कहूँ कि उत्तराखंड में सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर है, यहाँ हिमाचल में 15 किलोमीटर है, इसलिए सड़क के मामले में हिमाचल बेटर है। उत्तराखंड में 9.2 करोड़ लोग शिक्षित है, और वहां सारे आंकड़े ऐसे ही है, हवा में बात कर रहा हूँ, हाँ मतलब एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम है। हिमाचल में 12 करोड़ लोग शिक्षित है, इसलिए हिमाचल बेटर। देखो जब आप फैक्ट्स डालते हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो वो उस क्वेश्चन में आप एनालिसिस तो कर रहे हो, बट आपके एनालिसिस का वे दिखाता है कि यस, उसको भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो सही है। आप हवा में बात नहीं कर रहे हो, आप फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हो, तो वो जो आपने प्रीलिम्स में फैक्ट्स पढ़े वो मेंस के एनालिसिस में काम आते, एक। और आपको बेसिक चीज तो पढ़नी पड़ेगी, मतलब आर्टिकल 356 का के लिए आपको मालूम है, आपको वो फैक्ट याद है ना। बहुत ज्यादा फैक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना है। कई बार देखो, एक होता है कि हम फैक्ट पढ़े छोटे 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 आइसोलेशन में, ये हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, एक अलग फैक्ट, एक अलग फैक्ट, और फिर इससे पॉलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ होती है। पहले पॉलिटी पूरी पढ़ो, मतलब आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? हम एक कवर बना देता है, आपकी थीम बना देता है कि पॉलिटी की थीम ऐसी 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 है। अगर मैं कहूँ एक ऑप्शन ये है कि गवर्नर राष्ट्रपति को हटा सकता है, सही है गलत है? कहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा है, बट इट इज योर थीम। आपको पता है कि राष्ट्रपति ऊपर है, गवर्नर नीचे है, तो एक थीम हर सब्जेक्ट की बनती है। तो जब वो थीम बनती है और उसके अंदर अगर फैक्ट्स होते हैं तो याद भी रहते हैं। तो आपको पढ़ना है इस तरीके से चाहिए, जैसे एनसीईआरटी जब मैं पढ़ता था तो फर्स्ट इंडेक्स आप खोलते हो तो मैं फर्स्ट यूनिट देखूंगा। किसी पास एनसीईआरटी रखी होगी? चलो मतलब सब पढ़े लिखे है, एक पास करते हुए आना, मैं बताता हूं। उसमें क्या होता है कि हेडिंग 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 में पढ़ लेता था, ये तरीका शायद आपको काम है, और मैं सोचता था कि उस हेडिंग में क्या क्या हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग 5 मिनट्स किसी भी किताब को पढ़ने के पहले। ये है, नहीं नहीं मिल गई, एनसीईआरटी मिल गई, वापिस चलने दो। जैसे ये है कि स्वतंत्रता है, ठीक है, इसका परिचय है। तो फर्स्ट आई विल थिंक कि स्वतंत्रता का मतलब मैं क्या सोचता हूं, एक
2 मिनट इन्वेस्ट करूंगा। फिर इसकी जितनी भी हेडिंग है ना, जैसे इसमें लिखा है इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे, तो मैं कोशिश करता था कि मेरे लिए क्या महत्व है, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम में अंतर की व्याख्या। तो मैं सोचता था कि इनमें क्या अंतर होगा, सकारात्मक और नकारात्मक जो आयाम है, और हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। तो मैं खुद से जो हेडिंग है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, उसके बाद प्रतिबंधों के स्रोत क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, फ्लैश मतलब एकदम 5 मिनट एकदम से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि ये यूनिट में क्या कहना चाहता है, और आप अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हो। फिर आप जब पढ़ते हो तो उसके बाद आपको क्लियर होते चलता है कि मेरा एनालिसिस कितना डिफरेंट है, और वो एनालिसिस फिर आपका होगा, आप कभी भूलोगे नहीं उस चीज को। और वो होने के बाद जो पीछे के क्वेश्चन है उसको मैं रिवाइज करता था, तो इस तरीके से एक थीम बन जाती थी। और बीच में जो फैक्ट्स है, जैसे मान लीजिए कि प्लेटो ने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा स्वतंत्रता के लिए, उसको मैं लिख लेता था एक पेज पे। तो जब आप इस तरीके से फैक्ट्स जो है उसको लिख लिया है, तो आप जैसे जैसे फैक्ट्स याद करेंगे, जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है, तो आपको पूरी थीम रिवाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से फैक्ट्स और एनालिसिस का बैलेंस आप बना सकते हो। और प्री में ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसको 100% फैक्ट्स आते थे जो एग्जाम में आए। प्रीलिम्स का हमेशा से ये रहा है कि 33%, 33% और 33%, मतलब 34 ले लो, 34% आसान होगा, 33% टफ होगा, और 33% लगभग ऐसा होगा कि आता है लेकिन पता नहीं है। और ये जो 34% है इजी वाला ले, हम इसमें गलत करते हैं, हम इसमें गलत नहीं करते, ये तो कोई नहीं कर रहा है। 33% जो है ना, इसे कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। हमारे साथ क्या दिक्कत होती है ना, हम ये 33% तो बहुत हद तक सही कर जाते हैं, बट ये गलत करते हैं इजी वाले। और इसमें डिसीजन मेकिंग जब आपकी आती है इलिमिनेशन में, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपका थीम कितनी अच्छी है, आपने पिरोया सब्जेक्ट को कितना अच्छा है। और अगर आपकी पिरोना अच्छा है तो आपके फैक्ट्स भी आपको दिखने लग जाते हैं। जैसे नेहरू रिपोर्ट पे एक क्वेश्चन आया था हमारे टाइम 2016 का प्रीलिम्स का, याद हो, उसमें 5 ऑप्शन थे, मुझे एक ऑप्शन कंफर्म पता था कि ये नहीं है, तो इलिमिनेशन से सॉल्व हो गया। तो कई बार ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली वो आपको आता होगा, इलिमिनेशन से आपको जाना पड़ेगा। तो ये प्री और मेंस के बीच में फैक्ट और उसका बैलेंस है, वो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, मतलब ये जान है आपके प्रिपरेशन की। आप खुद सोचो आप एग्जाम में क्या डिलीवर कर रहे हो, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको कितने घंटे मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से अगर आप टाइम में डिवाइड 7 मिनट, ठीक है, 7 से 8 मिनट के बीच में आपका आएगा एक क्वेश्चन के लिए। अब जब आप एक क्वेश्चन में 7 और 8 मिनट में है, तो जब आप लिखोगे ना पूरा लिख भी नहीं पाते, कम होता है। तो सबसे पहले जो रिवीजन का इन्होंने पूछा है, 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में हमको आंसर लिखना है, 200 वर्ड्स वाला लेते हैं। आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे दोगे, जब इंट्रोडक्शन पे आप लिखोगे तो आपके 30 वर्ड्स लगेंगे, कंक्लूजन में 20 वर्ड्स लग गए, 50 वर्ड्स खत्म हो गए, अब बच गए 150 वर्ड्स। उसमें भी एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, या तो इसको आप 75-75 में बढ़ जाता है क्वेश्चन। जनरली यूपीएससी में ये होगा कि 2 क्वेश्चन हो गए या क्रिटिकली इवैल्यूएट होगा। अब इस 75 में भी कनेक्टिंग वर्ड आपके 40 वर्ड्स हैं, ये किया जा सकता है, कर रहा हूं, नहीं होगा, ये सब। सिर्फ 35 वर्ड बचे उस क्वेश्चन के क्रक्स जो है, इसको हम कीवर्ड्स कहते हैं, सिर्फ 35 वर्ड्स कीवर्ड्स, मतलब इनके आसपास पूरा आंसर घूमने वाला है, इन कीवर्ड्स के आसपास जो 35 आपके वो बच गए हैं। अब आप ये खुद सोचो कि 35 कीवर्ड्स आपको याद करने के लिए आपकी रिवीजन जितनी अच्छी होगी उतने जल्दी याद आएगा। जैसे मैं मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूं, हम दोनों मेंस साथ में ही दे रहे थे जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूं, लंच का ब्रेक हुआ पॉलिटिकल साइंस का, मैं मेरे नोट्स लेके आया, 60 पेज के नोट्स थे पेपर 2 के, पेपर 1 पेपर एक यूनिट कितनी 20 यूनिट हो रही थी ना अभी, 10-10-20 यूनिट, तो 30 या 35 पेज थे मेरे रिवीजन के, और उसके जो थे वो इतना बड़ा पोथा था, वो कैसे रिवाइज करेगा एग्जाम के पहले। मेरे पूरे ऑप्शनल के नोट्स 60 पेज में थे, उसको मैं 1 पेजर कहता हूं। 1 पेजर मतलब ये एक पेज होता है आगे पीछे से, इसमें मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखता था जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं।
उस एग्जाम जैसे प्लेटो अरस्तु आपके लिए क्या हो गए, स्कॉलर्स हो गए, मेरे लिए मार्क्स थे, अरस्तु 10 मार्क्स, प्लेटो 5 मार्क, या प्लेटो 10 मार्क बस, और 5 मार्क या 10 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तो उनकी थ्योरी लिखने के लिए जितने कीवर्ड्स चाहिए होते थे वो मेरे इस पेपर पे होते थे, और साथ में मैं इसमें करंट में क्या जोड़ सकता हूँ वो यहाँ लिखता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है सबका, जैसे प्लेटो का विजडम किंग हम कहते हैं, ठीक है, तो विजडम किंग का उस समय हमारे समय ये था कि 8वीं 5वीं जो सरपंच के लिए कंपलसरी कर दिया था हरियाणा में, तो मैंने उसको विजडम किंग से जोड़ा था। तो बेसिक कीवर्ड्स प्लेटो अरस्तु के और जो करंट में चल रहा है उसके कीवर्ड्स, बस एक पेज में मेरा आधे पेज में यहां तक प्लेटो अरस्तु खत्म हो जाएगा, या प्लेटो हो जाएगा अरस्तु नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो इससे ज्यादा मैंने कभी भी रिवीजन में, जब मैं पहले रिवीजन में मेरा पोथा होता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कलेक्ट करने में, बट जब से वन पेजर पे मैं शिफ्ट हुआ हूं तो आपकी आंखों के आगे सारे कीवर्ड्स गए हुए हैं, वही कीवर्ड्स आपको लिखना है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी आंसर नहीं लिखना है, आपको ऑर्डिनरी आंसर को एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से लिखना है, मतलब स्ट्रक्चर करके लिखना है। तो ये जो कीवर्ड्स है ये जानने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई रिवीजन तभी कर पाओगे जब नोट्स, तो ये लिंक जो है ना वो हमारी प्रिपरेशन से ही जुड़ती है। तो आप नोट्स कैसे बनाते हो, नोट्स और सिनॉप्सिस में अंतर बनाता हूं। नोट्स मतलब आपके डिटेल नोट्स हो सकते हैं, सिनॉप्सिस का मतलब है वन पेजर। तो अगर आप वन पेजर नोट्स बना रहे हो तो आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो कोशिश ये करना कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसके बाद, स्पेशली ऑप्शनल में और जीएस में ऐसे टॉपिक जो बहुत लेंदी हो, एक पेज में नोट्स बनाओ। मतलब जैसे विपिन चंद्रा की किताब आती है हिस्ट्री की, मैं एक यूनिट को एक पेज में लिखता था, सिर्फ वन फ्रेट पे, उसके सिर्फ कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें लिख देता था, एंड देन मैं जब रिवाइज करता था तो मेरी मतलब जितनी यूनिट है उसमें 40 यूनिट है, तो 20 पेज में पूरी की पूरी मेरी विपिन चंद्रा हो जाती थी। तो मेरे को विपिन चंद्रा को रिवाइज करना तो मैं 20 मिनट में रिवाइज कर लेता था। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने अच्छे आपको कीवर्ड्स लिखना है उतने अच्छा आपका रिवीजन होना चाहिए, जितना अच्छा रिवीजन है उतने अच्छे आपके सिनॉप्सिस होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, और वो नोट्स उतने अच्छे बनने के लिए आपको मतलब सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस किस चीजों पे हमें फोकस करके कीवर्ड्स उठाना है। क्लियर? सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के मैंने देखा है ठीक है, तो जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं मुझे मिल गए हैं फॉर्चुनेटली, मैं अभी दिल्ली 3 महीने के लिए आया तो कहीं मेरे रूम पार्टनर के पास मुझे मिल गए। किसी ने क्वेश्चन किया था कि लास्ट टॉक में मैंने कहा था कि मैं मेरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मैं नहीं करा पाया, तो मुझे आई गेस कि एक अगस्त महीने में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वो बाहर है, वो जैसे ही आ जाता है उसके शॉर्ट नोट्स लेके मैं यहाँ सरस्वती आईएएस में दे दूंगा, एंड देन आप लोग उसको जितना फोटोकॉपी का चार्ज हो उस हिसाब से सर से कलेक्ट कर लेना, ठीक है, कि मैं नोट्स कैसे बनाता था। और कोशिश करूंगा कि जो जीएस के मेरे नोट्स मेकिंग थे, शॉर्ट नोट्स बनाने थे, सिनॉप्सिस जो थे, वो मेरे पास पीडीएफ फाइल में अभी भी रखे हुए हैं, तो मैं सर को देके जाऊंगा ताकि वो आपको आज कल परसों में जब भी हो सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कराएं, आप अपने हिसाब से प्रिंट आउट लेना, ठीक है। तो सिनॉप्सिस इज द की, आप जितना अच्छा नोट्स बनाओगे, जितना अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उतना अच्छा रिवाइज करोगे, उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन कीवर्ड्स वर्ड्स होना चाहिए या सेंटेंस होना चाहिए, तो ऑल दो इट्स वेरी क्लियर कीवर्ड्स है तो कीवर्ड्स होना चाहिए। जैसे हाँ कीवर्ड्स, अब जैसे आप कोई भी आप ये देखोगे, किताब देखोगे, अगर मुझे कुछ एक मिनट लूंगा, अब जैसे ये लिखा है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसमें लिखा है पहली बात तो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है, छात्र के रूप में मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रासंगिकता, तो मैं लिखूंगा यहां राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, हो सकता है आप इसके नोट्स भी नहीं बनाओ। पहला प्रासंगिकता, तो जब मैं रिवाइज करूंगा ना, मैं फ्लो चार्ट में जनरली बनाता था, तो अब देखो मुझे आगे कि राजनीतिक सिद्धांत मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये प्रासंगिक है, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया। सेकेंड, अगर इसमें दूसरी बात यह कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने का अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं,
तो जागरूक नागरिक होना चाहिए। मैं इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकता हूँ कि चूंकि हम अभी मत देने के लिए जा रहे हैं या नागरिक बन चुके हैं, मतदान हमें करना है तो सोच समझ के करना है, तो एक जागरूक नागरिक के नाते एक प्रासंगिक नागरिक। और तीसरी बात, आजादी समानता तो हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है परिवार, तो भेदभाव से बचने के लिए। अब मैं बता रहा हूं, मैंने दो पेज पढ़े हैं आपके सामने, मतलब स्कैन किए हैं, पढ़े नहीं है। इसमें मुझे ये चीज दिखा, अब देखो, अब मैं आपको, अब मैं आंसर जब लिखूंगा एग्जामिनेशन में कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं लिखूंगा राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे माइंड में तीन पॉइंट है, प्रासंगिकता है, नागरिक है और भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे साथ। मुझे ये याद रहेगा क्योंकि मैंने इसके सिनॉप्सिस बनाए हैं, मतलब मैंने इसको डिकोड करके अपने फॉर्म में लिखा है, वहां से भी वर्ड लिए लेकिन मैंने अपने फॉर्म में लिखे हुए। अब मुझे तीन में से दो भी याद रह गए ना, तो ये दो परफेक्टली याद रहेंगे मुझे, बाकी लोगों को याद ही नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं, मैं एग्जाम में बैठता था, मैं ब्लैंक होता था पहले, कुछ भी जो मन में आ रहा है चल रहा है। बट जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना कि क्यों पढ़ना है, तीन पॉइंट आगे और कुछ आए, अगर प्रासंगिकता के और पॉइंट होते तो मैं प्रासंगिकता करके इसके ये तीन पॉइंट है, तो वो चार्ट आपके माइंड में चलता है कि अगर क्यों पढ़ना है पूछा तो तीन पॉइंट बोलूंगा, प्रासंगिकता, नागरिक हमें, और तीसरा पॉइंट कि भेदभाव हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो हो गया, आपको अब समझ में आ गया राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ना चाहिए। और भी पॉइंट्स हो गए, मैं तो तीन एग्जांपल दी। इट डिपेंड्स अगेन, ये मैं रिवीजन पे, मतलब जब मैं नोट्स बना लेता था, नोट्स मतलब आप जैसे किताब में एक बार पढ़ ली है, उसके बाद जब मैं इसको अगेन दूसरी बार जब रिवाइज करूंगा, पढ़ के मैं इसके साइड में लिख देता था कि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, ये इंपॉर्टेंट लगा, ये इंपॉर्टेंट लगा साइड वाले पेज में, देन जब मैं इसको फाइनल टचअप दूंगा इस किताब को, मैं दो बार पढ़ता था क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे सिक्स्थ की एनसीईआरटी में भी मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी बचपन में पढ़ा है, मैं फिफ्थ की एनसीईआरटी भी पढ़ा हूं, थोड़ा थोड़ा याद आता था कि हाँ यार फिफ्थ क्लास का तो मान लो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता है। तो मेरी ये हालत थी तो मुझे दो बार पढ़ना पड़ता था, तो एक बार एनसीईआरटी का उस तरीके से अपने तरीके से पढ़ता था, इंडेक्स पढ़ के सोचता था कि क्या है क्या नहीं है, एंड देन साइड में लिख लेता था, और जब रिवीजन करता था तो ऐसे नोट्स बना लेता था, तो ये काफी हेल्पफुल रहे। एनसीईआरटी के नोट्स नहीं भी बनाओगे इट्स ओके, आप साइड में लिख के भी काम चल सकता है, वही साइड में फ्लो चार्ट बना दो, प्रासंगिकता क्यों है, 1 2 3, या कोई बनाना चाहे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऑप्शनल के सिनॉप्सिस जरूर बनाना है, GS1, GS2, GS3, GS4 के टॉपिक वाइज। जैसे GS4 में अभिवृत्ति एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड का सिलेबस में जो जो दिया है उसके ऊपर आपको मालूम है कि नहीं है, सीधा उठ के आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस है, कौन थिंकर है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा, इसका थिंकर कौन है, क्या पांच पॉइंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, लिख दिए बस। तो कीवर्ड्स के फॉर्म में पूरा सिलेबस डिकोड होना चाहिए आपके कॉपी और उसके ऊपर, अगर ये आपने कर लिया तो आप 80% लड़ाई तो जीत गए हो, मतलब फिर कुछ बचा नहीं है। मेन चीज उसके बाद है प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो क्यों रोकेगा आपको कोई, वो तो खुद चाह रहे हैं जो ब्रिलियंट बच्चे आए। कंप्लीटनेस, ये भी बहुत ही, मतलब आप लोग अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो होता ना कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चलता है हमारे साथ, ये नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मेरे साथ वो सब आपको पता है। ये सही बात है कि जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो ऐसा होता है कि हम खुद से संतुष्ट नहीं होते कि ये जो नोट्स बना है ये सही है नहीं है, क्वेश्चन करते हैं गो, तो इसके बाद क्या करो आप, आपने ये पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना है, जैसे मान लो आपने प्लेटो पढ़ा, प्लेटो के आपने नोट्स बना लिया, प्लेटो के नोट्स बनाने के बाद लास्ट 10 ईयर्स में जो प्लेटो के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका अगर आप 80% करने में, मेरा 80% का फॉर्मूला है कि यूपीएससी में आप 100% कुछ नहीं कर सकते हो, 80% करो, और जो बचे हुए 20% है उसमें वापस 80% की मेहनत लगती है, इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट मत करो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। तो ये जो आपने 80% पढ़ा, मतलब प्लेटो का आपने पूरा पढ़ा, उसका 80% क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, अगर कर पा रहे हो मतलब नोट्स सही है, आपके नोट्स से वो दिखना चाहिए कि हाँ प्लेटो के ये क्वेश्चन आए, तो स्पेशली ऑप्शनल में डिकोड हो सकता है। बट जीएस चूंकि डायनामिक है तो आपके जो नोट्स होंगे वो काफी हद तक स्टैटिक वाले पार्ट का होगा, डायनामिक पार्ट का नोट्स तो आप उस तरीके से नहीं बना सकते हो,
तो स्टेटिक पार्ट के जो नोट्स है उसमें से भी कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म पे हमारे टाइम क्वेश्चन आया था, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि लैंड रिफॉर्म से हमारे यहाँ क्या क्या समस्या उत्पन्न, क्या सकारात्मक हुआ है, सब उसका नेगेटिव पढ़ते हैं। बट मेरे पास रेडी था असला बारूद, मैंने सीधा गोली फायर कर दी। और मुझे लगता है कि जीएस पेपर 3 में मेरे उस समय 122 नंबर थे, है ना। तो बहुत ज्यादा जो स्टेटिक पार्ट आया था हमारे टाइम, लोग उतना ज्यादा तैयार नहीं थे। मैं ऑलरेडी चूंकि स्टेटिक मेरा ये था और करंट अफेयर्स के डिफरेंट, तो कंप्लीटली मैं तैयार था कि बस आए और मैं शूट करूं, और वो हुआ जीएस पेपर 3 में, शायद इसलिए नंबर अच्छा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को चेक करते रहो, दो चीजों से चेक करना है हमेशा से, सिलेबस और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर सिलेबस में दिया है तो आपके सिनॉप्सिस बनना ही बनना है, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में उस वे में क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे आपको पता चल जाएगा। हर नोट में तो नहीं होगा ऐसा कि आप चेक कर पाओगे, बट 70% ऐसा होगा कि आप उसको जज कर पाओगे कि हाँ ये सही है नहीं है। यार आप लोग मुझे चिट्ठियां भेज रहे हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। न्यू कॉमर्स टू मैनेज जीएस विद ऑप्शनल, ये किसका है, ये क्या है, पूछ लो। हाँ न्यू कॉमर्स है, ओके। तो देखो आपको पढ़ना है तो एक साल का तो आप लेके चलोगे। एक चीज, जो न्यू कमर है कितने हाथ खड़े करो, ओके मतलब ऑलमोस्ट आप न्यू कमर लोगों को ही मैं बात कर रहा हूं। तो न्यू कमर्स आप लोग न्यूज पेपर पढ़ना स्टार्ट करो सबसे पहले दिन से ही, मुखर्जी नगर में पांव रखते ही। न्यूज पेपर कौन सा पढ़ते हैं, अरे गुड यार आप लोग अवेयर हो, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ रहे ना सभी, अच्छा है, मैं भी पढ़ता हूं अभी, अच्छा आ रहा है, काफी अच्छा है। प्लस दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, प्लस राज्यसभा टीवी का डिस्कशंस, फ्रैंक परेरा सर लेते हैं, काफी अच्छा है वो, होता है डिस्कशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने में दिक्कत नहीं है। और तीसरा अगर समय है तो द हिंदू का एनालिसिस आता है यूट्यूब पे आधे घंटे का, वो देख लो। तो आपसे बेटर करंट अफेयर्स किसी का नहीं होगा, मैं दावे से कहता हूं। इंग्लिश में, यार इंग्लिश में फ्रेशर्स में तो देखो न्यूज़पेपर जो है ना अपना सब्जी जैसा है, मतलब जो है कि आपको मैं बता सकता हूँ कि प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, सब्जी जो पसंद हो वो खाओ, जैसे प्रोटीन है तो दाल खाओ, अंडे खाओ, आपकी मर्जी है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस कहते हैं, अगर द हिंदू बहुत टफ जा रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस के साथ जा सकते हो। चूंकि मैंने इंग्लिश में बहुत ज्यादा न्यूज पेपर नहीं पढ़े तो मैं नहीं इसमें बोल पाऊंगा, बट जो मैंने सुना हुआ है उस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दो ऑप्शन है। अब जो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको जो अच्छा लगता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो पढ़ो। हाँ इनका एक अच्छा क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें स्पेशली यूट्यूब का। तो यार आजकल तो सब कुछ आ गया है, मतलब जिस दौर में हम पढ़ते थे उस दौर की बात अलग है, बट अब आप यूट्यूब पे देखोगे तो एक टॉपिक पे 10 चैनल मिल जाएंगे, और ये प्रॉब्लम है। पहले इंफॉर्मेशन को हम कहते थे इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज इज पावर, ये टैग चलता था, बट अब क्लैरिटी इज पावर, नॉलेज नहीं, जिसकी क्लैरिटी है उसके पास। हाँ नहीं बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा हो गया है कंटेंट ना उतनी ज्यादा समस्या और बढ़ गई है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि पहले ये वाला क्वेश्चन हम न्यू कमर्स वाला न्यूज पेपर वाला कंप्लीट करें फिर आपके ऊपर आते हैं, दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूं। तो न्यू कमर्स जीएस और ऑप्शनल साथ में पढ़ना है, तो जैसे मैं जो स्टडी करता था वो इसमें करता था, बैच में बोल दो आप, या टाइम डिवाइड करके करता था। जैसे सुबह सेशंस में पढ़ाई करता था, सुबह 9 से 12 का एक सेशन होगा, या सुबह 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करके बैठ जाता था टेबल पे, 8 से 10 मैं न्यूज पेपर पढ़ूंगा, उसके बाद 15 मिनट का रिलैक्स या आधे घंटे का रिलैक्स, फिर 10:30 से लेके 12:30 या 1:30 बजे तक 3 घंटे का एक सेशन होगा, उसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा। देन उसके बाद लंच करके रेस्ट करके 3:30
बजे मैं स्टार्ट करूंगा तो 3:30 से 5:30 मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा, फिर मैं एक आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, 6 से लेके 8 बजे तक 2 घंटे अगेन मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा, फिर 8 बजे के बाद मैं जाऊंगा डिनर विनर करके आऊंगा, 9 साढ़े 9 बजे बैठूंगा, 9:30 से 12:30 बजे तक 1 घंटा यूट्यूब के लिए रखता था, ऑडियो वीडियो जो स्टडी होती है 2 घंटे में से 1 घंटा रिविजन का होता था और 1 घंटा अपने लिए रखता था, वो 1 घंटा मैं दिन में कभी भी यूज कर लेता था। जैसे जो मेरे साथ रहे हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं टेस्ट मैच भी देखने की इच्छा हो तो देखता था लाइब्रेरी में बैठ के। तो इट डिपेंड्स कि जब आप सेगमेंट में पढ़ाई करते हो सेशंस में, तो मान लो कोई आपका दोस्त आ गया तो लंच तक का आपको पता है कि आज न्यूज़पेपर पढ़ने वाला टाइम गया, बाकी सारे सेशंस कंटिन्यू रहेंगे, तो आप लोगों को भी जीएस और ऑप्शनल को सेशंस में डिवाइड करना होगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि शाम वाला है तो शाम को ही जीएस पढ़ेंगे, आप स्विच ओवर कर सकते हो हर 7 दिन में, जैसा आपको मर्जी हो। यहां से मैं एक चीज और बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम टेबल अपने लिए, जो कभी फॉलो नहीं होगा, लेकिन मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने अपना 100% से ज्यादा फॉलो किया है। रीजन ये था कि हम प्रैक्टिकल नहीं, हम बताते कि आज 3 किताब पढ़ लेंगे, 7 दिन में 21 किताब खत्म और हम आईएएस बन गए, ये कभी अचीव नहीं होगा। आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, जैसे मैं 7 दिन को ऐसे डिवाइड करता था, ठीक है, मतलब मेरे कहीं चिट्ठे विट्ठे पड़े हो तो आपको मिल जाएगा ये, और यहां मैं टाइम वाइज अपने सेगमेंट डिवाइड करता था, इसमें दिन लिखा होता जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, मुझे क्या करना है 6 दिन में। मैं कभी भी 7 दिन का टाइम टेबल नहीं बनाता था, नेवर, या तो 5 दिन का बनाऊंगा, चूंकि मैं अटेम्प्ट ज्यादा दिया था तो मेरा बेसिक ठीक हो गया था, तो मैं 5 दिन का वो बनाता था टाइम टेबल, 2 दिन छुट्टी रखता था अपने लिए, उस दिन मैं टेस्ट लिखूंगा या फिर जो नहीं कवर और हुआ एक रिजर्व डे मेरे पास होता था 6वां दिन, और उसके बाद मेरे पास अगर मुझे लगता था तो जो 8वीं तारीख का है वो मैं स्विच करके स्टार्ट कर लेता था, तो मेरा टारगेट हमेशा टाइम पे खत्म होता था। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाना चाहिए, और लीनियंट शॉक अब्जॉर्वर जो होते हैं ना कि 1 दिन की छुट्टी 2 दिन की छुट्टी, उसके साथ बनाना चाहिए। हम कंटिन्यूअस बनाते जो संभव नहीं है, मशीन नहीं कर सकती, मशीन बंद करनी पड़ती है थोड़ी देर बाद, हम तो इंसान है। तो 5 दिन या 6 दिन का आप टारगेट बनाओ और 1 दिन आप छुट्टी रखो कि अगर वो कवर अप नहीं हुआ तो वो कवर अप करना है, कोशिश करो 6 दिन में हो जाए, और अगर सारा कवर हो गया जाके मूवी देखो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिलैक्स होकर स्टडी करना है और ये सेगमेंट में पढ़ाई करना है कि हाँ आज मैंने सारा किया। तो हो सकता है किसी दिन आपका दोस्त आ गया तो आपका एक सेशन आ गया तो वो शिफ्ट हो जाएगा इस दिन पे, इसलिए शॉक एब्जॉर्वर बहुत जरूरी है। किसी दिन घर वाले आ गए, ये खा गए तो वो यहाँ आ जाएगा, ये खा गए यहाँ आ गया, ये खा गए ये आ गया, तो 1 दिन अपना अपने आप आपका सेशंस बढ़ जाएगा, आप देखोगे ये होता है। प्रैक्टिकल यही है, हम थ्योरिटिकल टारगेट्स बनाते हैं कि अरे ये कर दूंगा वो कर दूंगा आग लगा दूंगा, ठीक है, आग लगती नहीं है। तो इसके बाद 1 दिन और एक्स्ट्रा आपको रख सकते हो, तो 2 दिन और सेशन वाइज पढ़ाई। और मैं क्या करता था, जैसे मुझे अभी आप बोलो कि सर 7 दिन में आपको ये किताब पढ़नी है तो कैसे पढ़ूंगा, मैं अभी बता रहा हूं मैं मेरा स्टाइल क्या है, तो मुझे पता है 7 दिन में मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे 1 दिन में पढ़ूंगा। इस किताब को अगर 2 घंटे मिले हैं तो 7 दिन 14 घंटे में मुझे किताब पढ़नी है, लेट सपोज एनसीईआरटी वाले फेज में मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है, तो 14 घंटे मुझे मिल गए, 14 घंटे में से मैं सबसे पहले 2 घंटे निकाल दूंगा, मेरे को मालूम है मेरा माइंड ऐसा है कि कॉन्सेंट्रेट करते करते ना इधर उधर भटक जाएगा, तो 2 घंटे में पहले ही निकाल चुका हूं। अब 12 घंटे मुझे इस किताब को पढ़ना है, तो अब मैं देखूंगा कि कितने पेजेस है, जनरली मैं ये करता था कि 150 पेजेस है, तो अगर 12 घंटे में पढ़ना है तो डिवाइड कर लो, आसान करने के लिए मैं इसको 10 कर रहा हूं, अब 12 कर रहा हूं, तो अब 10 घंटे मेरे पास बच गए, 150 पेज मुझे पढ़ना है तो 1 घंटे में 15 पेज पढ़ूंगा, ये मेरे माइंड में स्टक हो चुका है। अगर सारी किताब इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, हो सकता है किसी में आप मतलब जो एक यूनिट को 10 घंटे मेरे पास बचे तो 15 पेजेस मुझे 1 घंटे में पढ़ना है, या फिर यूनिट के हिसाब से अगर 10 यूनिट है तो 1 यूनिट मुझे 1 घंटे में पढ़नी है, लेट सपोज, तो मेरे माइंड में प्रोग्रामिंग फिट हो गई है, टाइमर फिट हो गया है, तो अब मैं जब 3 घंटे बाद अपना एनालिसिस करूंगा तो मुझे 45 पेज हो जाना चाहिए, मैं हुआ कि नहीं हुआ मैं अपने आप से पूछूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, है ना। हो सकता है मैं इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूं, मैंने वेस्ट नहीं किया अपना टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे जो टारगेट्स बनाते हो उससे ना बहुत क्लियरिटी होती है, आपका माइंड भटकता नहीं है, आपके माइंड को टारगेट मिला हुआ है कि 1 घंटे में 15 पेजेस कंप्लीट करना है, अगर मेरे 20 मिनट में हो गए तो उठ के घूम के फिर गया आऊंगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, या आप कंटिन्यूशन में स्टार्ट कर सकते हो कि बाद में एक साथ 3 घंटे बचा के मूवी देख लूंगा,
या घूमने चले जाऊंगा। तो ये इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है प्रिपरेशन में। और मेरे पास 6 महीने का, आने वाले 6 महीने का प्लान होता था, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में क्या मैं करने वाला हूँ, एक एक दिन का हिसाब मैं अपने आप को देता था। तो ये इस टाइप से कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, टाइम इज मनी, मतलब मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पैसा लग रहा है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आज मैंने 3 घंटे बर्बाद किए, कोई बात नहीं, मेरे को करने थे, मैं बाद में कवर कर लूंगा। आज मेरी इच्छा नहीं थी पढ़ने की, कोई बात नहीं, जाके गार्डन में अकेला बैठा हूं, या घूमने चला गया, मूवी देख ली, या दोस्तों से मिलने चला गया। तो मुझे पता है कि मैं रिजर्व डे मेरा यूज करूंगा, लेकिन जब मुझे पता चल जाता कि अब मेरे पास रिजर्व डे भी नहीं बच रहे, तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी से ना, जब टाइम मैनेजमेंट जितना क्लियर होता है ना आपको कि मुझे क्या करना है, कितने दिन में करना है, कैसे करना है, तो आप अचीव करते हो। और टारगेट हमेशा से ही रियलिस्टिक बनाओ और एक दिन रिजर्व रखो, तो आप देखोगे आप कभी भी गलत चीजें नहीं पढ़ोगे। क्योंकि जब आप टाइम डिवाइड करोगे ना, तो समझ में आएगा कि टाइम तो है ही नहीं। तो ऐसी चीजें, अब जैसे इन्होंने YouTube का क्वेश्चन पूछा, वो अपने बुक्स में भी अलाउ है। आप हिस्ट्री के लिए 5 किताबें पढ़ते हो अलग अलग सोर्स से, क्या हो जाएगा? एक किताब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हो सकता है आपने ये वाली किताब पढ़ी हो, क किताब पढ़ी हो, और ख से एक क्वेश्चन आ गया, मतलब इससे 8 क्वेश्चन आए, इससे 9 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन से कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड बुक है तो 100% उसमें से आएगा, और नहीं आया तो किसी ने नहीं पढ़ा है। तो हम लोग 80 और 20 का हमेशा माइंड में रखे कि 100% नहीं कैच करना है, वरना कभी नहीं पढ़ पाओगे, इतना सिलेबस है। 80% टारगेट करोगे तो बहुत ही आराम से घूमते फिरते खाते पीते आईएएस बन जाओगे, ठीक है? तो ये जरूर किसके लिए? मैथ्स के लिए, मेंस के लिए। हाँ, एनालिटिकल पावर, देखो आपको अगर मैं ये कहूं कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, बताओ। दिस इज एनालिसिस, बहुत ज्यादा डिफरेंस एनालिसिस, जो फैक्ट्स हम पढ़ते हैं ना उसी बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये मैंने बताया 3 पॉइंट आपको मालूम है। अगर आप इसको लिखोगे जब प्रेजेंटेशन में, तो उसी फॉर्म में लिखोगे, तो आप एनालिसिस तो कर रहे हो। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा होता है। न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी से आपका माइंड एनालिटिकल बहुत ज्यादा होता है, या अच्छी स्टैंडर्ड बुक, जैसे आप विपिन चंद्रा पढ़ो, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के विपिन चंद्रा है, आपका एनालिसिस इतना अच्छा हो जाएगा, स्पेशली स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा हुआ है। वही आप अगर वो पढ़ते हो, बुलेट पॉइंट में क्या आता है, स्पेक्ट्रम, तो आपका एनालिसिस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा से ही जो फॉर्मेट है वो ये रखना है कि बेसिक एनसीईआरटी पहले पढ़ना है, देन स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, और फिर जरूरत पड़ी तो नोट्स से वैल्यू एडिशन करो। तो नोट्स के अंतर्गत स्पेक्ट्रम और ये जो चिटपिट पिट मिलती है ना मार्केट में, ये सब ले आओ। बट बेसिक तो ये है ना। अब आप सोचो, उल्टा जाओ फिर से जहां से हम शुरू किया था, एग्जाम कौन बना रहा है? प्रोफेसर। प्रोफेसर्स ने क्या लिखे हुए हैं? आइदर स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी में देखना पहले पेज पे होता है कि ये प्रोफेसर है। जैसे इसमें मैं राजनीतिक सिद्धांत में देखूंगा तो इसमें लिखा होगा कि इन इन प्रोफेसर्स ने योगदान दिया हुआ है। तो वो जब एग्जाम बना रहा है कोई एग्जामिनर, तो उसके माइंड में पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा, जो उसने बना रखा है या जो उसने बनाया हुआ है? क्लियर ना? तो स्टैंडर्ड, या तो उसने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी अपने टाइम में, या उसने एनसीईआरटी बनाई हुई है, तो उसके माइंड में वही। इसलिए हम पुरानी एनसीईआरटी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रोफेसर जब क्वेश्चन बनाता है, जब उसने पढ़ी होगी या बनाई होगी, पुरानी बनाई है, नई वाली आने वाले 5-7 साल में 2005 वाली रिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि वो वाले लॉट आएगा एग्जाम बनाने में। तो इट इज वेरी, आप अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। इसीलिए एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी नई पुरानी को लेके किसने पूछा है, नई पुरानी वाला? हाँ, ये देखो, मैं नहीं पढ़ा है, बट कुछ कुछ चीजों मैंने पुरानी यूज की है। जैसे हिस्ट्री में मुझे वो वाली अच्छी लगती थी, जो आरएस शर्मा वाली, आप लोग भी सब पढ़ते होंगे। तो मेरे हिसाब से गंगा ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि कौन से, इस पे कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने साथ में मिलकर ही बनाया,
मेरा भी वीडियो होगा उसमें मैंने कहीं कहा होगा, बट गंगा का मुझे याद है कि उसने किस तरीके से कहा होगा कि इसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, तो आप वो देख लेना। और मुखर्जी नगर में हो तो ये तो बिल्कुल सही है, बट एक चीज के लिए एक ही पढ़ो, जैसे यूट्यूब वाला तुम्हारा क्वेश्चन था, तो एक चीज के लिए कोई एक किताब पढ़ो, वो तुम्हारा बेस होगा। हो सकता है इससे कोई एक क्वेश्चन ना आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कॉम्पिटिशन में। और अगर आपको कुछ और बुक पढ़ना है तो वो वैल्यू एडिशन होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन्होंने इनका क्वेश्चन है मैगजीन्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कोई मैगजीन नहीं पढ़ी है ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैगजीन नहीं पढ़ना चाहिए। आप किसी भी कोचिंग के अगर महीने के आखिर में क्रिस्प नोट्स आते हैं, वो रिवीजन के लिए अच्छे होते हैं, सिर्फ उसके बेसिस। जैसे मैं अगर पढ़ूंगा तो पहले न्यूज़पेपर से अपना बेस बनाऊंगा, पूरी स्टोरी मेरे माइंड में चल रही है, डेली क्या हो रहा है ना, जैसे जल शक्ति में क्या चल रहा है मेरे माइंड में घूमते हुए चल रहा है। और इसके बाद अगर मैं किसी मंथली मैगजीन को कोई एक, कोई भी एक, उसमें भी दो चार नहीं कि अरे ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, एक मैगजीन अगर मैं पढ़ता हूं तो वो मेरा वैल्यू एडिशन करेगा, कि अगर कुछ छूट भी गई हो न्यूज तो वो एड ऑन कर देगा। अब कौन सी मैगजीन पढ़ना है, तो मैंने मैगजीन्स नहीं पढ़ता था क्योंकि मैं खुद के नोट्स बनाता था, बट विजन आईएएस के जो मंथली आते थे मैं देख जरूर लेता था, हिंदी में भी आते। योजना कुरुक्षेत्र, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था कि योजना कुरुक्षेत्र का इंडेक्स देख लो, इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और योजना कुरुक्षेत्र कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में हमेशा से ही दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में योजना कुरुक्षेत्र लगता नहीं था कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मुझे लगता था कि मैं जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं उतना तो मैं न्यूज पेपर में दे रहा हूं और अच्छे से पढ़ता था, तो फिर जीएस में 440 थे उस टाइम, हमारे टाइम वो ठीक एक एक करके आता। यस, नहीं देखो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का एक चैप्टर इटसेल्फ इज एसे, उसको निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो। अगर आप कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हो तो उसका एक चैप्टर निबंध होता है, देखना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा, फिर वो बिल्डअप करेगा और फिर कंक्लूड करेगा, हर चीज यही है। तो आपको निबंध का मतलब ही यही है, आपको बहुत डिफरेंट चीजें नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हम ढंग से निबंध को लिखते हैं, ध्यान देते हैं, बट जब आप पढ़ रहे हो तो ये माइंड में होना चाहिए आपके। तो मैगजीन से क्या होता है, मैगजीन से आपका वैल्यू एडिशन हो गया, तो अगर आपको बेसिक पता है तो उसमें फैक्ट्स आप जोड़ के आप अच्छा निबंध बना सकते हो, तो उसमें हेल्पफुल होगा। देखो मैं इसको मैगजीन को मना नहीं कर रहा हूं, दिस इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब आपका जो आपने सीखा है उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा ही। लेकिन अगर हम वैल्यू एडिशन पे, मान लो आपने चार मैगजीन पढ़ लिया, एक न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, चार मैगजीन पढ़ रहे हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये तीन का, जैसे इसमें आपको वैल्यू एडिशन 50% हो रहा ना, तो ये 1%, 0.5% और ये 2%, 0.02%, ये टाइप से होगा। एक मैगजीन से जरूर वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन उसके बाद ना ग्राफ ऐसा होता है, नीचे गिरते जाता है, जितनी भी आप पढ़ लो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से एक न्यूज पेपर, एक मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन आप डिसाइड कर लो कौन सी पढ़नी है, वो पढ़ना है। एक मिनट, उनका बहुत दिन से क्वेश्चन। हाँ, इन्होंने मल्टीपल रिवीजन का पूछा है, इसमें से कट शॉर्ट करके मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शिफ्ट हम इस तरीके से कर रहे हैं। देखो मल्टीपल रिवीजन का मतलब है, जब मैं पहली बार रिवीजन करूंगा तो एक महीना लूंगा, लेकिन जब मैं दूसरी बार रिवीजन करूंगा तो मैं 10 दिन लूंगा, और तीसरी बार ना एग्जाम के एक पहले करूंगा, जस्ट ग्लांस, मतलब 1 घंटे में या 3 घंटे में, जैसा भी आपको। तो आपका ना घटते जाना चाहिए, आपने पहली रिवीजन की 1 महीने में और दूसरी रिवीजन 3 महीने में कर रहे हो, तो दैट इज नॉट सेकंड रिवीजन, है ना। इट डिपेंड्स, अगेन मैं किताब के साथ रख के करता था, ये किताब रखी हुई है, लेकिन मैं नोट्स मेरे जो होते थे उसमें मुझे समझ में आ, पूरी किताब का यूनिट रिवाइज हो जाती थी मुझे, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। बट कई बार ऐसा होता आपको अटक में आ जाता, क्योंकि आपने बनाया बट आप अटक जाओगे कि यार
ये क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, देन रिफर्ड बुक उसी समय। इसका मतलब है कि वो आपका मजबूत नहीं है वो पोर्शन, क्योंकि आपको याद नहीं आ रहा है, बाकी आपने अच्छे से बनाया है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। और हमेशा हैबिट डालो, बुक का जो इंडेक्स होता है ना हर बुक का, वो इंडेक्स जरूर गो थ्रू करो, तो आपके माइंड में वैसे ही पूरा स्क्रॉल हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना कि जो किताब आपने पढ़ी सिर्फ इंडेक्स 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 सोच के देखना, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, वैसे रिवाइज हो जाता है। तो बुक होना जरूरी है साथ में रिवीजन के लिए। दो यूज योर सिनॉप्सिस एंड नोट्स, मतलब मैं सिनॉप्सिस ही यूज करता था, बट रेफरेंस के लिए हमेशा रखो। वो अटकना नहीं चाहिए गाड़ी, जहां अटकी वहां तुरंत रेफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। लेखन शैली अगेन, मतलब एक तो रिवीजन और नोट्स आपके ये की है, और तीसरा इज राइटिंग एग्जामिनेशन में। तो ये वाला क्लियर हो गया सब लोगों को? जैसे मल्टीपल चैनल भी है ना, कोई एक चैनल पकड़ लो जो आपको जिसकी लैंग्वेज कंफर्टेबल रहती है, और यही करना है। आपका भी जवाब हो गया, इधर भी हो गया? नहीं, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे आज के डिस्कशन का। लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन और ले लेते सर। देखो इनका क्वेश्चन है कोचिंग के साथ कैसे प्रिपेयर करें। देखिए आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जैसे आप मान लीजिए 2019 जुलाई में दिल्ली में आए, तो आप ये सोचो कि 2020 का एग्जाम मैं क्रैक कर लूंगी, लेट सपोज। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब प्लानिंग में है कि इतना कम समय में आप कैसे करोगे, एटलीस्ट 1 साल आपको देना चाहिए। मतलब मैं